बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो MPA जो आपस में मियाँ बीवी हैं, वो एक दूसरे के सामने हैं और ख़ातून ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली हैं, जवेरिया ज़फ़र, उन्होंने अपने शौहर हैदर बलोच के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना वुमेन खवातीन के थाना में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका नंबर है 12/22। उस खातून ने वहां पर SHO को दरख्वास्त दी है कि जनाबे वाला, मेरा शौहर हैदर बलोच, जिसने आज से 6 माह कबल मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया था, मैं उसके घर में रहती हूँ, उसने आज मुझे घर में छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी हुई तो पिस्टल निकाल कर मेरे सर पर रख लिया। मैंने हैदर बलोच से कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगी और आपसे खुला का मैं केस दायर करूंगी और मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकती, जिस पर उसने मुझे शदीद गालम गलोच दी और मेरे ऊपर उसने पिस्टल तान लिया। मेरे वालदैन जो कि मेरे साथ रहते हैं, उसने मेरे वालदैन को और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हैदर बलोच जो हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं। ये दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी ने आपस में शादी की। अब ये बात बड़ी हैरान कन है, खातून कहती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। जब एक रुकन सूबाई असम्बली की ये सूरत हाल हो कि कोई शख्स उसको पकड़ कर साथ ले जाए और उसके साथ वो ज़बरदस्ती निकाह कर लें, तो ये बात कोई भी बाशऊर इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। 6 माह पहले उसने आपके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और आप उसके साथ रह रही हैं। बहरहाल, इस खातून ने उस मुकदमे में अपना मौकफ अख्तियार किया कि इसने पिस्टल उठाया और इसने मेरे ऊपर फायर किया, मैंने अपना सर नीचे कर लिया और वो फायर दीवार में जा लगा। मैंने पुलिस को फ़ोन की, पुलिस मौका पर आ गई और उसने आके सूरत हाल को देखा और उसकी खातून की इस दरख्वास्त के ऊपर उस हैदर बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये खवातीन के थाना इस्लामाबाद में 12/22 FIR नंबर है। FIR आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और ये दोनों मियां बीवी जिन्होंने शादी की, दोनों अराकीन इसम्बली हैं और ये इस नहज पर पहुँच गए 6 माह के अंदर कि इन्होंने न सिर्फ एक दूसरे से अलीहदगी अख्तियार करने की ठान ली है, बल्कि खातून ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। 506(2) का ये मुकदमा इस्लामाबाद के थाना खवातीन में दर्ज हुआ है। तो खातून का जो मौकफ है, उसके मुताबिक उसने कहा कि मेरे साथ निकाह भी ज़बरदस्ती हुआ और अब हैदर बलोच मुझे और मेरे अहल खाना को जान से मारना चाहते हैं और वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं। उसने अपनी दरख्वास्त में लिखा कि अगर मेरा किसी किस्म में कोई नुकसान होता है या मुझे जान से मार दिया जाता है तो इस सब का जिम्मेदार हैदर बलोच होगा। नाज़रीन, देख लें कि इस वक्त हमारा मुआशरा किस नहज पे पहुंचा हुआ है। दो मियां बीवी जो दोनों अराकीन इसम्बली हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी की, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और उसके बाद आज वो इस नहज पे पहुंच गए कि खातून थाने जा पहुंची है। ये जो रिश्ते होते हैं, ये कोई आम रिश्ते नहीं होते, इनको निभाना इंसान की ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है। ये रिश्ते जोड़ने से पहले, ये रिश्ते बनाने से पहले, एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने से पहले, इंसान को सारा कुछ देख और सोच लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो आज हुआ है। एहतियात कीजिए, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।